top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नियम तो ये होता है कि सारे कम्युनिटी सेंटर, सारे गेस्ट हाउसेस, सारे होटल, सारे इस तरह के जांच होनी चाहिए। कोई क्यों रुका है उसका क्या, तो शादी ब्याह भी हो सकती है, तो हमें वहां पर उसको ह्यूमन एंगल से देखना है, रीजन देखना है कि कोई मकसद है, कोई इलेक्शन कंपेनिंग की दृष्टि तो नहीं रुका है बेदर इंफेसिस या वोटर को प्रभावित करने के लिए या वोटर को कुछ वो फैक्टर हमको करना है। लेकिन 10 तारीख को ऑफिस भी खुली हैं, कंपनियां इतनी हैं, एक माइग्रेंट जो हमारे पास जो फ्री फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कोई गुड़गांव से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई हमारे हमारे यहाँ से जाने वाले, कोई आने वाले जॉब करने वाले लेबर है, वो आएंगे, तो जाहिर है वो वैलिड रीजन है। मतलब मैं इसलिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन कर कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि ये लिख दिया कि कोई नहीं रहेगा, पैनिक क्रिएट हो कि बच्चे अगर स्कूल आने वाले हैं दिल्ली वाले तो उतना जरा साहब तो और रोड को जाएगा कि बच्चों मत भेजो, या कोई बच्चों को ले रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो हमें बहुत ही सतर्कता से संवेदनशीलता से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये इंश्योर करना होगा कि कोई व्यक्ति इलेक्शन कंपेनिंग से इरादे से या इलेक्टर को प्रभावित करने के इरादे से किसी होटल, किसी गेस्ट हाउस, किसी जगह या किसी के घर भी किसी के हाथे में रुका तो नहीं। ये प्रतिबंध है, जब तक उसके पास कोई ठोस वैलिड रीजन नहीं है कि यहां क्यों है, तो वो संदिग्ध माना जाएगा इलेक्टोरल कंपेनिंग। Thank you.